Hello everyone, how are you? Well guys, in this video मैं यार कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें क्या था कि सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के किड्स थे। दे वर पार्टिसिपेटेड इन क्वेश्चन आंसर विद वन क्रिटिक्स, टू रुपीज़ क्रिटिक्स, आई डोंट नो हिज नेम, राइट। तो अनन्या पांडे एक्चुअली बेसिकली ऐसे कॉन्वर्सेशन चल रहा था, उसमें अनन्या पांडे ने कहा कि यार हम भी अपने कैरियर में बहुत स्ट्रगल करते हैं, फिर हम कुछ भी अचीव करते हैं। तो वहाँ पे सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा, जहाँ पे इनकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है, हमारी स्ट्रगल ख़त्म होती है। ये सुनने में तो एक दो लाइन का बात है, लेकिन इसमें बहुत ही, दिस इज़ अ वेरी थाटफुल, यू नो, दिस इज़ वेरी थाटफुल सेंटेंसेस, दिस इज समथिंग वॉज वेरी मीनिंगफुल, अगर तुम इसको समझ पा रहे हो तो, राइट। यार एक अगर नॉर्मल इंसान देखे तो मिडिल क्लास या पुअर क्लास, या क्या होता है कि हमारे मिडिल क्लास में एक्टिंग वैक्टिंग ऐसे, मालूम मैं एक्टिंग करना भी चाहता हूँ तो फर्स्ट चीज़ें क्या होती है, पहले अपना ग्रेजुएशन कर लो, काम धंधा कर लो, उसके बाद तुम एक्टिंग वेक्टिंग अपने पैसे से करते रहना, राइट। अब तुम यार उस समय तक तो तुम एक्टिंग वेक्टिंग का कीड़ा है तुम्हारे अंदर, लेकिन यार पहले तुम्हारे को कंडीशन ये है कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, पैसे कमाओ। इसमें कोई बुराई नहीं है पैसे कमाना, लेकिन जो तुम बनना चाहते हो उसके लिए ये सब 3, 4, 5, 6 साल का जो ईयर है उसको अपनी स्किन को भी मेंटेन रखना है, अपने स्किन को भी, क्योंकि यार अल्टीमेटली नो डाउट यू मस्ट हैव गुड एक्टिंग स्किल्स, यू मस्ट बी अ गुड डांसर, दिस और दैट इज़ समथिंग वॉट दैट रियली मैटर्स। अलॉन्ग विद दैट यू मस्ट ऑल्सो लुक गुड, आफ्टर ऑल तुम्हारी स्क्रीन पे अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक किसी को देख के यार ही इज़ लुकिंग लाइक ए एक्टर, ही इज़ लुकिंग लाइक ए हीरो। तो बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, पोर्टफोलियो बनाना, दिस होता है। तो यार अब एक नॉर्मल वही फैमिली होती है, और पहले कोई भी ग्रेजुएशन कर लो, कहीं जॉब कर लो, पैसे कमाओ, खुद से करो। 3 साल ग्रेजुएशन में लग गए, अब मान लो जॉब नहीं लग पाई, किसी से जॉब लगी तो उतनी स्टार्टिंग में पैसे भी नहीं मिलते हैं, है ना, उतने में। और मान लो तुम कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हो तो चीज़ें और भी, दिस बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन टू सर्वाइव, राइट। क्योंकि यार इट्स नॉट ईजी टास्क टू सर्वाइव योर सेल्फ विद दिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहाँ की 1 रूम में 5-5 बंदे रह रहे हैं, एक ही बाथरूम है, एक ही वॉशरूम है, उसमें ही तुम मैनेज कर रहे हो, सुबह जा रहे हो, शाम में आते धक्के खा गए, ऊपर से तुम्हें ये भी प्रेशर है, एक ही लाइफ है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी माई सेल्फ ऑन 70mm स्क्रीन। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि तुम रियली वॉन्ट, यू आर रियली वेरी विलिंग टू डू सो। अपार्ट फ्रॉम योर वर्क यू आर ऑल्सो गोइंग टू फॉर टू द डायरेक्टर्स, यू नो, फॉर द वट इज कॉल फॉर द इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू फॉर द लाइक शॉर्ट लिस्टिंग, फॉर द एड्स के लिए जा रहे हो, मूवीज़ के लिए जा रहे हो, वहाँ पे तुम प्रोड्यूसर के चक्कर लगा रहे हो, डायरेक्टर के चक्कर लगा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, रिजेक्शन हो रहे हैं, तुम कहीं पे जा रहे हो, मान लो उतना तुम्हारा प्रेजेंस अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि माइंड भी हो सकता है तुम बहुत थक गए हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा तुम अपनी स्किन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। अब ये सब चैलेंजेस है। अब अनन्या पांडे जैसे लोग जो कि एक बहुत बड़ा प्रिविलेज में जीते हैं, जहाँ की उनकी जो अपब्रिंगिंग ऐसे ही होती है कि अरे सी इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर, यू नो, सी इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर एक्ट्रेस, राइट। तो उसी तरह से अपब्रिंगिंग होती है, कहीं भी तुम जा रहे हो तो कार में जा रहे हो, तुम्हें धूप नहीं लग रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं लग रहे हैं, तुम्हारी अपब्रिंगिंग वैसे ही हो रही है, तुम फूड एक नंबर का खाना खा रहे हो, तुम कहीं भी, आई मीन यू आर ग्रोइंग विद द इंटेंशन टू बिकम एक्ट्रेस, तुम्हारे पास एक ही गोल है। और यहाँ पे हमें पहले ग्रेजुएशन करो, पहले जॉब ले लो, उससे
अब जॉब करो तो मैं फ्री में पैसे तो नहीं देगा, वहाँ पे भी तो मैं एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अलॉन्ग विद दैट यू आर ऑल्सो मेंटेनिंग टू गो टू द इंटरव्यूज फॉर सिलेक्शन फॉर एनी एड्स, एनी मॉडलिंग और वेयर एवर फॉर एनी मूवीज। तो यार मूवीज़ में डायरेक्टली तुम्हें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि तुम्हें कोई, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दिस और दैट काइंड ऑफ टैग यू हैव, राइट। सो मिस इंडिया से भी किसी को मूवीज़ इंडिया में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आई डोंट थिंक सो एनी पर्सन आई हैव सीन टिल डेट हु गॉट मूवीज जस्ट बिकॉज ऑफ मिस इंडिया, राइट। तो ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो तुम मैंने मॉडलिंग वॉडलिंग किसी तरह किसी शॉर्ट मूवीज़ में मिल जाए या किसी एड में मिल जाए, उसके लिए तुम स्ट्रगल करते हो, तुम्हें कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, यू आर डूइंग ऑल द स्टफ व्हाट एवर द थिंग्स पॉसिबल फॉर यू बाय योरसेल्फ, एंड इट्स नॉट इजी फॉर एनी पर्सन टू मैनेज ऑल द स्टफ्स बाय हिम और हरसेल्फ, राइट। सो ये सब चैलेंजिंग होती हैं। और एक जगह वो अब उसकी अपब्रिंगिंग वैसी हो रही है, आईफोन चला रही है, कहीं भी बाहर जा रही है तो कैब कार्स में जा रही है, पढ़ाई भी कर रही है तो हाई फाई कॉलेज में पढ़ाई कर रही है जहाँ पे एवरी पर्सन इज टॉकिंग इंग्लिश, कितने सारे जिम कर रहे हो यार, खाना अच्छा मिल रहा है, तुम्हारे न्यूज़पेपर वाले पता नहीं कितने मीडिया वाले तुमको, अभी तुम मूवीज़ में तुम कहीं निकलते हो तुम्हारे फ़ोटो इंटरनेट पे शेयर करते हैं, सी लुक्स वेरी गॉर्जियस, माई बॉयफ्रेंड, माई खानदान, दिस और दैट, सबके बारे में सबको पता चल जाता है। इवन यू हैव नॉट डिड एनी थिंग दैट इज सपोज टू बी नोन टू एवरी पर्सन, दो यू आर पॉपुलर ब्रो। सो ये चीज़ समझो कितना बड़ा प्रिविलेज है एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ नॉट सो प्रिविलेज एज लाइक यू आर। अब इसमें ये है कि चलो यार अब वो प्रिविलेज है तो है, अब क्या कर सकते हैं, वो एक अच्छी फैमिली में उसकी बर्थ हुई है तो उसको, या इट्स अ गुड थिंग, इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें क्रिटिसाइज की बातें नहीं है, लेकिन इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इस चीज़ को भी हमें एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि हमारी जो हार्डशिप है, जो नॉन जिसकी फैमिली इस बैकग्राउंड में नहीं है, उसकी इस हार्डशिप हमारे हार्डशिप से बहुत ही ज़्यादा है, उसकी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए चीज़ों को एक्वायर करना, चीज़ों को रिट्राइव करना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट देन द सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, दीज आर द थिंग्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, देन ओनली यू कैन अब जैसे कि नेपोटिज्म की बात होती है, इस पे कंगना रनौत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, ये सब चीज़ें, ये सब ये बहुत ही ओपनली बोलते हैं, खासकर कंगना रनौत। क्यों बोलते हैं यार, क्योंकि कंगना रनौत ने भी सेम डिफ़िकल्टी को फेस किया है, सी इज़ ऑल्सो अ नोन फेस एज फार एज आर इंडस्ट्रीज कंसर्न, आई मीन सी हिज फादर मदर और हिज ब्रदर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दिस फ्रेटर्निटी, राइट। सो एक ऐसे मतलब बंदे को जहाँ ऐसा कोई लिंकअप नहीं है, खुद पे ही खुद सारे चैलेंजेस को बेयर करके तुम वहाँ उस स्टेज तक पहनते तो पहुँचते हो, तो वो पर्सन उस चीज़ की वैल्यू को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को एक उसकी वैल्यू कर पाते हैं। और एक्चुअल स्ट्रगल, किसी कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा था तो उससे अपने आप को रिलेट कर पाते, क्योंकि वो खुद उस स्ट्रगल को सहन किए हुए हैं, उसको बेयर किए हुए, उसको ही और शी हैज़ बिन गॉन थ्रू दैट स्ट्रगल, राइट। तो ये टू एस्पेक्ट ऑफ सिंगल क्वाइन है, लेकिन ऑफ कोर्स ये जैसे उसने बोला कि जहाँ पे इसकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है, हमारी स्ट्रगल ख़त्म होती है, हमारी स्ट्रगल ख़त्म होती है मतलब जहाँ पे मतलब उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, यहाँ से वो कैरियर बना रही है, और हम ही इतने स्ट्रगल है यहाँ तक पहुँचने में ही हमारे 5-6 साल कितने टाइम ख़राब हो गए।
अब यार जो बॉलीवुड के जो सन्स होते हैं वो 18 16 18 में ही स्टार्ट कर देते कैरियर, और हमें अपने कैरियर्स इन सब चीज़ों में आते आते कितनी भी बहुत मेहनत करें 5 6 साल तो लग ही जाते हैं, तब तक हमारे 20 30 तक मान लो पहुँच गए, या जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी 35 जिस तक में स्टार्ट किया था, तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट वेरी चैलेंज वेरी इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन टू, अब एक फीमेल है तो उसके लिए तो और भी चैलेंजिंग होता है हो जाती है, क्योंकि यार तुम अब फीमेल जब तक हॉटनेस है तब तक चीज़ें बॉलीवुड में चलता है, आई मीन आई थिंक मुझे इट्स नॉट वॉट जस्ट बॉलीवुड, आई थिंक इट्स एवरीवेयर, बिकॉज हम बॉलीवुड में हॉली कहीं भी देखते तो मोर और लेस द थिंग्स आर सेम, आई मीन हम वुमेन्स को देखते हैं किसी भी एक्टर से, अगर कोई कितनी मूवी वुमेन ओरिएंटेड आते हैं यार उसमें कितनी मूवी आते हैं, हार्डली 1 साल में 3 से 4 मूवी आते हैं, और जो भी रेस्ट मूवीज़ होती हैं वो मैन ओरिएंटेड होती हैं, और उसमें जो फीमेल की रोल होती है जो एक्ट्रेस होते हैं उसका बस यही होता है कि जस्ट दे डू द थिंग दैट दे जस्ट टू यू नो अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एज लाइक डांसिंग के लिए थोड़ा सा एक्सपोजर के लिए थोड़ा सा हॉटनेस ग्लैमर के लिए होते हैं, तो अगर 35 ईयर में किसी बंदी को 32 ईयर में स्टार्टिंग कर दी कितनी साल वो सर्वाइव कर पाएगी, वेरी डिफिकल्ट, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं यार, ये सब चीज़ें बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती हैं, क्योंकि अब नॉट वन पर्सन इज़ अप्लाइंग फॉर दिस, नॉट वन पर्सन इज़ पुटिंग एफर्ट फॉर, मीन्स जो नॉन जिसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं है जो आउटसाइडर है उसमें भी तो करोड़ों बंदे इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, तो कितने बंदों की ये चीज़ें सक्सेसफुल भी हो पाती है, और जहाँ पे एक सेम फर्टिनिटी से लाइक सपोज महेश भट्ट है उसके आलिया भट्ट कितना ईजी हो गया, सी वॉज जस्ट 17 और 18 सी गॉट स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड स्टिल सी इज़ वर्किंग, सो अभी तक तो कितनी मूवीज़ कलीज मतलब स्टूडेंट ऑफ ईयर से भी पहले हम जानते थे आलिया भट्ट इज़ द डॉटर ऑफ महेश भट्ट, तो कितना हम फैमिलियराइज करते हो इसके इंस्टाग्राम फेसबुक दिस दैट कहीं भी जा रहे हैं, अरे देखो एयरपोर्ट से जा रही है उसके बॉयफ्रेंड ये है दिस दैट उसने किसे किस कर लिया, तो मतलब उसकी किस किस हमारी किस व्हाट द फक, सो ये सब चीज़ें हैं तो बहुत ही डिफरेंस हो जाता है इसमें, कोई आई डोंट थिंक सो इज़ अ मैटर ऑफ एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट, अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इट्स वेरी क्लियर कट एंड आई डोंट थिंक सो इसको समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, तो मेरे को लगा यार इस पर बात करना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए, और मैंने बात किया, और यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो है अब क्या कर सकते हो, ऑल वी कैन डू इज़ टू पुट आवर एफर्ट एंड यार टाइम से चीज़ें मिले तो ही फ़ायदा है ना, चीज़ें इंडिया से कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है वहाँ पर इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, आई मीन फॉर वन थिंग सो मैनी पर्सन्स अटैम्प्ट सो मैनी पर्सन ट्राई टू डू द सेम सो मैनी पर्सन स्ट्राइव फॉर इट टू गेट द सेम स्टफ राइट, सो दिस इज़ एक जो भी उसने बात बोला जो कि जहाँ पे इसकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है हमारी स्ट्रगल ख़त्म होती है, एक बहुत ही जेनविन बहुत ही राइट एक बहुत ही राइट एक बात कहा उसने जो कि एक रियलिटी थी, और एक बहुत बड़ा एक लेसन्स भी दिया कि यार वी नीड टू यू नो टेक मोर एंड मोर गाइज दे आर दैट इज दैट आई मीन इट्स नॉट राइट टू ओनली गो विद द यू नो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज किड्स गिव चांसेस टू द नॉन फैमिलियर बैकग्राउंड्स आई मीन लाइक आउटसाइडर्स एज वेल राइट, लाइक रणवीर सिंह वेरी फ्यू पीपल यू विल फाइंड कंगना रनौत एंड रिचा चड्ढा दीज आर द फ्यू नेम्स यू विल फाइंड आउटसाइड, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल फाइंड दे आर
their parents, grandparents, this or that, somehow they have any sort of association with this fraternity people, right? तो एक उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पीपल उसका कोई गॉडफादर नहीं है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियोज गाइज. हैव अ ग्रेट डे. इफ यू फाइंडिंग दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर एज वेल. हैव अ ग्रेट डे.